प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भले ही अभी 2 साल से अधिक का समय बाकी है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गई हैं। कांग्रेस भाजपा में एक दूसरे को लेकर जमकर बार पलटवार का खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस जहां प्रदेश में सत्तासीन भाजपा को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती, वहीं भाजपा भी कांग्रेस को माकूल जवाब देने से पीछे नहीं रही है। भले ही देश व प्रदेश में COVID-19 के कारण विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई हैं और खुलकर रैली और धरने प्रदर्शन नहीं हो पा रहे हैं, बावजूद इसके कांग्रेस व भाजपा किसी न किसी बहाने लोगों को इकट्ठा करने का मौका हाथ से नहीं जाने दे रही है। कांग्रेस महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि व बस किराए को लेकर भाजपा पर हमलावर है। वहीं वह इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने से भी नहीं चूक रही है। भाजपा को सत्ता से दूर करने का कांग्रेसियों पर इस कदर भूत सवार है कि उन्हें 2022 व 1922 में भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय महाजन ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस 100% प्रदेश में 1922 में सत्ता में वापसी करेगी। महाजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली के थर्ड फ्रंट के बयान पर अपना पक्ष रख रहे थे। जिला कांगड़ा कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि पूर्व मंत्री जीएस बाली हमारे वरिष्ठ नेता हैं। जीएस बाली ने जो नेताओं को जमीन से जुड़ने और लोगों को रोजगार देने की बात कही है, वो सीधे तौर पर जीएस बाली का भाजपा की ओर इशारा था कि यदि आपका आचरण इस तरह का रहेगा तो आप रिपीट नहीं कर पाएंगे। हम कांग्रेस के सिपाही हैं और रहेंगे। कांग्रेस पार्टी वर्ष 2022 में 100% सरकार बनाएगी और भारी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री जीएस बाली ने प्रदेश में थर्ड फ्रंट और नेताओं के जमीन से जुड़ने और लोगों को रोजगार देने की बात भी कही थी। ये बाली जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, निस्संदेह वरिष्ठ नेता हैं और सबको अपना अपना विचार रखने का मतलब अपने रख सकते हैं विचार। और जहां तक उन्होंने कहा कि ये जो जमीन पे लोगों को जुड़ना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, वो निस्संदेह बीजेपी की ओर इशारा था और उनको ये कहा कि आप रिपीट नहीं होगे अगर ऐसे आपका आचरण रहा, आपका ये व्यवहार रहा लोगों के साथ, तो वो रिपीट नहीं आप होगे। ये उनके विचार है, उन्हीं से पूछो तो बेहतर होगा। हमारे लिए तो एक वरिष्ठ नेता है, हमारे लिए रिस्पेक्टेड नेता है, पार्टी के सीनियर नेता है। ये डेमोक्रेसी है, आई हैव नो आइडिया। हमारे तो हम तो कांग्रेस के स्पाई हैं, स्पाई रहेंगे। और ये जो कांग्रेस पार्टी है 100% 1922 में सरकार बनाएगी और बड़ी भारी तादाद के साथ, मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी।